हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, यानी अभी 9:30 हो रहा है और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। और मैं सोचती हूँ सुबह सुबह क्या कि ब्लॉग शूट करूँ, बट इतना भाग दौड़ हो जाती है ना सुबह सुबह कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सिवान जाता है स्कूल तो उसको लंच बना के देती हूँ, फिर अपने हस्बैंड को लंच बना के देती हूँ। तो लंच बना कर देते वगैरह मतलब 9 बजे तक सब लोग चले जाते हैं, तो सुबह थोड़ा जल्दी मतलब वैसे तो ना नहीं होती, लेकिन इसको आयांश को लेके हो जाती है, क्योंकि आयांश भी परेशान करता है, मम्मा मम्मा करते रहता है। इसके लिए मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, लंच वगैरह तो सोचता है कि मतलब पास में रहे, साथ रहे, तो इसके लिए थोड़ी सी वो हो जाती है। बाकी अभी देखते हैं बाकी क्या होता है आज का दिन, और बाकी बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। अभी मैं करूँगी घर का सारा काम, क्योंकि सारा काम बाकी है। और अभी मैंने नहाया भी नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह नहा के पूजा कर दिए हुए थे, इसके लिए मैंने अभी नहीं नहाया। नहीं तो ऐसे सुबह में नहा कर पूजा वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन वो नहा कर पूजा वगैरह करके चले गए हैं। तो अब मैं करूँगी सारा काम, क्योंकि अभी थोड़ा सा मन क्या होता है ना, शांत सा होता है कि हाँ सब लोग चले गए तो थोड़ा आराम से काम करते हैं, थोड़ा बच्चे भी संभालना रहता है, उसको देखना रहता है, लेकिन फिर भी रहता है ना। तो अब मैं करूँगी घर का सारा काम जो बाकी हो, और इतना मन इतना बेचैन सा हो जाता है ना कभी कभी, क्या ही बताऊँ मैं कभी कभी। तो फिर नीचे मैं गई थी छोड़ने भी उसको, सिवांश को स्कूल के लिए बस आई थी, तो अभी कुछ दिन से मैं ही जा रही हूँ, जब से मैं उधर से आई हूँ गाजियाबाद से, ज़्यादा तर करके मैं ही जा रही हूँ छोड़ने, क्योंकि इसके पापा को भी अब जाना रहता है, तो वो भी जल्दी जल्दी तैयार होने में लग जाते हैं। रात में लेट हो जाती है सोने में, तो सुबह भी नींद खुलने में मैं तो उठ जाती हूँ, लेकिन सिवांश को उठाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे हैं ना तो थोड़ा सा 8:25 में जाते हैं स्कूल, तो फिर उसको चाहता नहीं है उठने का, और रात में जल्दी चाहता नहीं है सोने का जब तक हम लोग जगे रहे हैं कुछ भी। तो बाकी बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी हम चलते हैं, काम थोड़ा बहुत करेंगे, बाकी नहाएँगे वहाएँगे, फिर जाएँगे, फिर 12 बजे फिर नीचे जाएंगे सिवांश को लेने। ऐसे हमने बस कर रखा है इसके लिए कि स्कूल जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा है अभी, आयांस तो लेके दिक्कत होती है ना, तो इसके लिए हमने बस कर रखा है कि आएगा, लेकिन फिर भी नीचे जाना पड़ता है ना ले आने। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा क्या हो रहा है आयांस, आयांस इधर आ। तो अभी चलते हैं, फिर क्या कर रहा है बेटा, आ जाओ। और ये ना खिड़की से सारा सामान उठा उठा कैसे फेंकते रहता है नीचे, फिर कुछ डाल रहा है, कुछ कर रहा है। तो बाकी चलते हैं थोड़ा सा, और प्लीज़ आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो देखिए ही नहीं, अगर देख रहे हैं तो पूरा फुल देखिएगा, मैं तो यही कहती हूँ। अगर नहीं अच्छा लगे तो नहीं देखिए चलेगा, बट अगर देख रहे हैं ना तो फुल देखिए, पूरा स्किप मत कीजिए, क्योंकि वो वीडियो को गिराने से अच्छा है ना कि वीडियो देखो ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग आएंगे थोड़ा सा क्लिक करके कॉमेंट करके छोड़ देते हैं, उनको ऐसा मतलब वीडियो जिस थ्रू में डालो ना कुछ ऐसा हो करके, तो उसके रिलेटिव कमेंट आते ही नहीं है, तो इससे पता चलता है कि लोग कितना वीडियो देखते हैं, कितना वाच कर रहे हैं। अगर नहीं अच्छा लगे तो देखो ही नहीं, नहीं तो देखो तो पूरा फुल वाच करो, वहाँ पे देख सकते हैं थैला। अभी मैं जब से गाजियाबाद से आई हूँ मम्मी के पास, तब से थोड़ा सा सामान इधर उधर भी थोड़ा सा रह गया है, बाकी तो मैं कर ली हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी अर्जेंट करूँगी धीरे धीरे, कभी दिमागी काम नहीं होता। तो चलिए बाकी बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि वो मंदिर मैंने रूम से हटा के कहीं और रखा है, और दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि कहाँ रखा है हमने, वहाँ पे हम लोग फिक्स कर दिया, अब यहीं पे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मंदिर हम लोग यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं, कुछ इस तरीके से जो स्टैंड है ना इस पर फिक्स कर दिए। यहाँ पर ना कल क्या हुआ था कि मैं ऊपर रखी थी इसको, क्या बोलते हैं बर्तन, जो मतलब बर्तन हम लोग ऐसे रखते हैं ना कि जो मतलब अगर पूजा वगैरह चाहे कुछ हो या कुछ अगर बर्तन वगैरह है वो, तो बर्तन उसका मैं अलग रखती हूँ, पूजा वगैरह कुछ बनाना हो, खीर वगैरह चाहे कुछ भी बनाना हो, तो उसका सारा बर्तन मैं अलग रखी हूँ, जो कि मतलब कुछ रहे तो बनाकर कन्या उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी हो। तो ऊपर रखी थी तो ऊपर पानी से मुझे लग रहा था ना ऐसे, मेरा टाँकी भर के ऊपर पानी गिर रहा था, तो उसे लग रहा था नीचे पानी आ रही थी, तो मुझे लगा कि भीग गया, तो रात में मैं रात ही गया कि ना कि फिर चढ़ के उस बर्तन उतारी, लेकिन भीगा नहीं था, अंदर में पन्नी में करके रखी थी ना थैली में, तो उसके ऊपर से थैला झोला में तो फिर भीगा नहीं था, तो फिर मैंने निकाल के यहाँ पर रख दिया, आप लोग देख सकते हैं इसमें ना दो थैले मैं पूरा एडजस्ट करके मैंने यहाँ डाल दिया,
क्योंकि यहाँ पे क्या होती है ना, कुछ ऐसे नॉनवेज वगैरह कभी खा तो छूना भी नहीं बनता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग कैसे लगे आप लोग बताइएगा। तो मंदिर हम लोग ऐसे नहीं है, तो बार बार मंदिर चेंज नहीं किया जाता है, बार बार नहीं लिया जाता है, इसके लिए हम लोग इसके स्टैंड पर यहाँ पर सेट कर दिए हैं। ऊपर भगवान जी का पूजा होगा, इस साइड हम लोग रखे हैं कोने में पूजा वाला सामान, क्योंकि हम लोग नीचे नहीं रख रहे हैं ना, कि अभी यहाँ से यहाँ पर पहुँच जा रहा है तो यहाँ से लगेगा इसको निकालने, इसके लिए हम लोग अभी नीचे नहीं डाल रहे हैं, बाकी ऐसे ही हम लोग रखेंगे। तो बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। हम सोच रहे हैं गांव लेकर जाने के लिए, अभी दिवाली वगैरह में चेंज करेंगे नारियल, तो देखते हैं कैसे जाता है। और क्योंकि जो नारियल है ना, आप लोग देख सकते हैं वो हो गई है ऊपर की साइड, आप लोग देख सकते हैं इतनी बड़ी हो गई है, थोड़ी सी दिक्कत होगी भी गांव भी अगर लेके जाएंगे तो। यहाँ पे लगाए तो कहाँ लगाए समझ में नहीं आ रही, अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं, फिर जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर लेकर जाऊँगी तो। यहाँ पर बाकी जो है सब यही है, और बताइएगा आप लोग कैसे लगता है लग रहा है। और यहाँ पे ना इसके अंदर कान्हा जी एक छोटे से, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यहाँ पे है गणपति भगवान। तो अभी हम सोच रहे हैं इसमें छोटा छोटा फ़ोटो लेकर लगाने के लिए, एक लक्ष्मी जी का फ़ोटो है ना तो बड़ी हो गई है, तो लक्ष्मी जी का भी फ़ोटो रखेंगे अभी पूजा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा छोटी फ़ोटो चाहिए, देखते हैं अभी दिवाली के समय जो भी करना हो करेंगे। तो बाकी आप लोग बने रहिए, देखते हैं रूम में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेट कर दिए ना, अभी रूम में क्या होती है ना, सोने से थोड़ा लगता है कि पैर पड़ रहा है उधर, तो इधर हम लोग में ऐसे माना जाता है, तो थोड़ा सा भी पैर हो लगता है ना, तो थोड़ा सा मतलब पैर उन मंदिर के साइड जाता है तो थोड़ा सजीव लगती है इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग हटाए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वहाँ पर कैसे लग रही मंदिर, वहाँ पर हम लोग जो स्टैंड पर रखे हो कैसे लग रही है। अभी मैंने सोचा है कि जो पूजा वगैरह का सामान होगा कुछ भी ना, तो उसको नीचे वाले उसमें डाल देंगे और मंदिर ऊपर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। दीवार पे मेरे हस्बैंड इतना ऊपर लगाए थे ना कि मुझे चढ़ने में देर पे चढ़ के तब मैं उसको पूजा करती थी भगवान को, फिर पहुँचना वगैरह भी सही से नहीं हो रहा था, तो इसके लिए मैंने वहाँ पर सेट कर दिया बेडरूम से निकाल कर। अब वहीं पर रहेंगे भगवान जी, है ना, क्योंकि बार बार नहीं हटाते ना कैसे इसके लिए। बाकी आप लोग बने रहिएगा, आप उसके ब्लॉग में चलती हूँ मैं, सारा काम करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ चल के। और मैं रात में लगाई मेहंदी, मैं पता है 2 बजे रात तक मेहंदी लगाई हूँ, देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है। मैं सीखी नहीं हूँ मेहंदी लगाना, बट मैं खुद से ना कोशिश करती हूँ, कुछ भी काम हो तो खुद से कोशिश करती हूँ कि करके देखूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसे लग रही मेहंदी। बैक वाला मैं इतना ही लगाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं, फ्रंट में कुछ ऐसा डिजाइन है। तो आप लोग बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। हटना है यहाँ, और यहाँ से नहा लिया, पापा के साथ ही नहाया, अभी कपड़ा भी नहीं पहना ही, कपड़ा नहीं पहना ही होगा इसकी, इसको फिर उतना शरीर में दाना दाना निकल रहा है, पता नहीं क्यों निकल रहा है। लेकिन अब मुझे एक चीज़ और लग रही है, कभी इसको जुकाम हुआ इतने में तो मैं वो सरसों का जो तेल गाँव वाला होता है थोड़ा सा इसको लगा लेती, मालिश करती हूँ मैं ठंड के दिन में सरसों का तेल, लेकिन सूट करता है इसको, पता नहीं क्यों हो गया। अब देखते हैं बाकी ठीक हो जाएगा, कहीं या हल्का फुल्का है आप लोग का आशीर्वाद रहे तो ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, है ना। बहुत परेशान हो जाती हूँ गर्मी में भी इसका दाना वगैरह के लेकर, बाल में ऐसे अभी सोच रहे हैं बाल का इसका क्या करने का है, क्योंकि बाल में इसका दाना दाना हो जाता है अभी गर्मी के मौसम में। तो सावन में भी मैं, सावन चल रहा था तब से मेहंदी नहीं लगाई, तो रात में लगाई, रात खाते वगैरह हम लोग को 11:30-12 बज गया था, तो उसके बाद में लगाना चालू की। उसके बाद मैं फिर बाबू को सुलाई, इसको थोड़ा मालिश की सिलाई, फिर सिमांस वगैरह को सुला कर तब मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था, क्योंकि जब बच्चे जगह रहते तो लगाने नहीं देते। बाकी ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई है, चलिए ब्लॉग को अभी रहने देते हैं और नहा धो के फिर मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, बाकी बने रहिएगा आप लोग। तो गाइस यहाँ पर मैं सारा काम कर ली कम्प्लीट, और बाकी जो है कपड़े अभी डालना रह गया, तो कपड़ा भी नहीं डाली हूँ क्योंकि अभी धूप आज है, लेकिन धूप ऐसे नहीं निकली है, मतलब थोड़ा सा अंदर से जो होती है ना गर्मी सी, वैसे धूप निकली हुई है। तो अभी मैं जो है काम कर ली हूँ, कपड़ा डालना रह गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना रस्सी में बांध रखी हूँ खिड़की पे, वो ना पूरा कपड़ा से भरा हुआ है, इसके लिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आऊँगी अभी, जा रही हूँ मैं सिवांश को लाने, क्योंकि 12 बज गए, तो आऊँगी सिवांश को लेकर, फिर देखती हूँ अगर सूखा रहे तो हटा के डालती हूँ, क्योंकि कपड़ा सूखने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब देख मतलब हर जगह ना रूम एकदम कवार सा लग रहा है हर जगह कपड़े से, क्योंकि कपड़े ऐसे उतार के भीगा हुआ रख भी नहीं सकते कि उसमें से फिर स्मेल आने लगती है। तो जहाँ तक मतलब चेयर वगैरह जो भी है, मेज वगैरह सब पे ना, क्या कर रहे हो, सब पे ना रखते हैं वो रात में, कि मतलब थोड़ा सा पंखे के हवा पे सूख जाए। तो चलिए अभी चलते हैं लेने हम सिमांस को, और
बाकी ब्लॉग कहीं पे एंड करेंगे क्योंकि बाहर धूप है तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी। और सियायांस को लेकर साथ में जाती हूँ तो और कुछ भी नहीं शूट कर पाती हूँ। आज मैंने येलो कलर का कपड़ा वेयर कर लिया क्योंकि कल है बृहस्पतिवार तो कल येलो पहनना चाहिए तो मैं आज पहन ली। तो कल मैं टी शर्ट वेयर कर लूँगी येलो कलर की। तो चलिए अब चलते हैं लेने सिवान्स को लेकर आएंगे। थोड़ा सा आज नेल वगैरह भी मेरे को कलर करने का है तो आज बुधवार भी है तो हम लोग में बुधवार के दिन सुहाग का दिन माना जाता है तो उसमें थोड़ा सा वैसे करते हैं सुहाग वाला चीज़। तो नहीं गिरेगा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, नहीं गिरेगा, छोड़ो, छोड़ दो, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं, छोड़ो छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़। तो आज थोड़ा सा वैसे किया जाता है हम लोग में। तो मेरे मायके में शनिवार को दिन सुहाग का दिन माना जाता है। तो चलते हैं सिवांस को लेने, ब्लॉग को रहने देते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, शॉर्ट तो कोई देखता ही नहीं है, लॉन्ग हो जाएगा तो पता नहीं क्या। और ये जाने से पहले ना हाथ में देखिए इसको ताला और चाबी चाहिए, इसे खेलेगा क्योंकि अभी सो रहा था, फिर सो जाता तो मुझे नीचे लेकर जाने में दिक्कत होती, इसके लिए मैंने इसको जगा के रखी हूँ। अब चलूँगी नीचे तो फिर इसको लेकर आऊँगी वापस, तब इसको सुलाऊँगी। वापस आने के बाद जल्दी सोता नहीं है क्योंकि इसका भाई आ जाता है ना, फिर मस्ती करने में लग जाता है, तब तो ठोक ठोक के सुलाना पड़ता है इसको। और रात में मेहंदी लगाई ना तो इसके भी हाथ में लगाई थी बट ये ना वो कर दिया, देखिए ये बनाया था मैंने लेकिन इसने थोड़ा सा वैसे कर दिया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। और मैं मुझे लग रहा है मैं बहुत लेट मेहंदी लगाई हूँ, बैक का है, फ्रंट का है, बहुत लेट मेहंदी लगाई हूँ क्योंकि सावन का कुछ दिन, आधा दिन, आधा से आधा दिन जा चुका। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो फुल वॉच कीजिए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।